आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इटकुटी से भीरा तक की जगह है, ये लखीमपुर ज़िले में बिजुआ ब्लॉक में पड़ता है, इसके बीच में जो कुछ भी है उसे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, ये बिजुआ से थोड़ा सा आगे इटकुटी है, वहाँ का इटकुटी का ये बोर्ड लगा हुआ है और इससे अब आगे चलते हैं। मैं बाइक से चल रहा हूँ, बस आगे निकलने पर ये मंदिर है। दोस्तों, अब आगे चलते हैं और ये बिजुआ के बाद है इटकुटी। आप लखीमपुर से आएंगे तो इधर से होते हुए बिजुआ भीरा की तरफ से तभी ये पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, एक रेसर की मशीन है, यहाँ पे गन्ना पिराया जाता है। और ये जगह जो है दिख रही है, ये इटकुटी की मेन मार्केट यहाँ पे लगती है संडे को और बुधवार को। यहाँ पे सब सामान बिकते हैं आपके घर में जो यूज होते हैं। और ये मिश्रा मेडिकल स्टोर है और यहाँ पे चौधरी साहब डॉक्टर हैं, वो बैठते हैं। और ये इटकुटी की मेन मार्केट है, यहाँ एक मंदिर है और यहाँ पे आपको मिनी बैंक, बर्तन की दुकान, कपड़े की दुकान, सब कुछ की दुकान है। आप के घर में जो भी मतलब यूज की जो भी चीज़ें हैं, जो सामान आपको ज़रूरी हैं, वो आपको इस मार्केट में मिल जाएगी। बहुत बड़ी मार्केट नहीं है लेकिन छोटी है, लेकिन सभी ज़रूरत के सामान मिल जाते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, घर बना है ट्रैक्टर इस तरह से, और ये ट्रैक्टर खड़ा था यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये इटकुटी और भीरा के बीच में जो कुछ भी जगह है वो मैं आप लोगों को आज दिखाने की कोशिश करूँगा, उसको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे हम लोग इटकुटी और भीरा के बीच में क्या क्या है उसको देखेंगे। और ये सामने जो है, यहाँ पे ये गुरुद्वारा है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बोर्ड लगा है भीरा का, इस तरीके से। और ये देखिए, अब हम लोग भवानीपुर पहुंच गए हैं। भवानीपुर का ये बोर्ड लगा हुआ है और इससे लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे घर है, यहाँ पे बोलेरो खड़ी है। और ये प्रॉपर्टी है, आप प्लाट लेने के शौकीन हैं, अच्छा इच्छुक हैं तो आप यहाँ पे प्लाट ले सकते हैं। और यहाँ पे दुकानें हैं गिट्टी बालू की। और यहाँ पे देखिए ये घर बने हैं इस तरीके से। और ये भवानीपुर की इस तरह से ये चट्टी है छोटी सी, यहाँ पे सब सामान मिलता है इस तरीके से है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे इस तरीके से है। और यहाँ भी ये देखिए, ये लगा हुआ है हीरा का। और ये सामने यहाँ पे ये टावर है, शाहपुर भवानीपुर अंदर जाएगा। और इस तरह से ये टावर देखिए यहाँ पे है। और आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये पत्थर लगा है भीरा का, यहाँ भवानीपुर का ये बोर्ड इस तरह से है। दोस्तों, ये तराई का क्षेत्र है, यहाँ बहुत ही पिछड़ा है। ये देखिए ट्रैक्टर ट्राली से अपना ये सामान ले जा रहे हैं। और यहाँ से आगे सतीश कुमार का यहाँ पे विद्यालय है। और हम लोग भानपुर में आ गए हैं, यहाँ पे भानपुर का ये बोर्ड लगा है। और ये देखिए यहाँ पे ये दुकान है, तेल पेरने वाली मशीन लगी है। ये हीरा का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है पत्थर। और यहाँ पे गिट्टी बालू, यहाँ ये भानपुर में भी आपको सभी ज़रूरी सामान जो है वो मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी मार्केट है, यहाँ भी छोटी मार्केट है लेकिन सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। देखिए यहाँ पे मिठाई की दुकानें हैं, सब चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। छोटी मार्केट है लेकिन अच्छा है। और ये सामुदायिक शौचालय है। और यहाँ ये सामने जो देख रहे हैं, ये आर्यावर्त बैंक है, जो पहले इलाहाबाद बैंक था तो अब आर्यावर्त हो गया है। और इस तरह से ये गांव के प्रधान का ये घर है। और यहाँ पे ये बजरंगबली की मूर्ति है, ये बरगद का पेड़। और ये सचिवालय है यहाँ पे। और ये सामने यहाँ डॉक्टरी है, यहाँ पे किचुआ पालन घर है, यहाँ ये बोर्ड लगा था। और यहाँ सामने अब ये जो दिख रहा है, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय भानपुर है। और
देखिए यहाँ पे ये जो सफ़ेद रंग का दिख रहा है ये बिल्डिंग, वो खाद गोदाम है और ये लोगों के घर बन रहे हैं इस तरीके से। देखिए गाड़ी जा रही है, और अब हम लोग ये राजपुर की तरफ का ये रास्ता है इधर जाएगा, और यहाँ से भी आप सतीश कुमार शकुंतला देवी इंटर कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बस सेवा यहाँ बहुत अच्छी है, 20-20 मिनट पे बस मिलती रहती है। और ये सामने आप जो देखने जा रहे हैं ये राधा स्वामी सत्संग का है, ये बहुत ही बड़ा ये जगह है राधा स्वामी का सत्संग भवन। और अब आगे बढ़ते हैं, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये SR जो नायरा इस समय हो गया उसका एक पेट्रोल पंप है कानपुर से थोड़ा सा आगे। यहाँ पे आप 24 घंटे यहाँ पे करा सकते हैं। बाबा का स्थान है यहाँ पे, यहाँ पे ये दुकानें बनी हुई हैं, ये गाड़ी धुलाई का दुकान है इस तरीके से। बहुत ही पिछड़ा इलाका है, कोई खास यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये ब्रह्म बाबा का स्थान है यहाँ पे। आइए आगे चलते हैं यहाँ से, आगे ये हासिम टंडा है ये गांव, और सामने ये मनमीत नगर महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है यहाँ से, ये यहाँ से BEd, BTC, DLED, BA, MA सब आप कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ देखिए बन भी रहा है, और सामने ये जो सफ़ेद रंग का दिख रहा है ये ला कॉलेज है, मनमीत नगर का ला कॉलेज बिल्डिंग। और यहाँ पे ये बोर्ड लगा है गजेंद्र सिंह निवास स्थान है उनका, और यहाँ पे ये विद्यालय है। और यहाँ पे ये सचिवालय केंद्र बना है इस तरीके से। आइए आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ी दूर पर देखिए बोर्ड लगा है पत्थर यहाँ पे, और ये जगह है ये जो झोपड़ी दिख रही थी यहाँ पे बस का स्टॉप है, जो प्राइवेट बस का स्टॉप यहाँ पे है, और यहाँ पे चेक होता है। और ये हीरा नहर से उसमें से निकली हुई है ये नहर, और ये देखिए इसके आगे भीरा नहर जो है निकली उसी में से ये निकला है ऐसे इधर से जाने के लिए, अभी इसमें पानी नहीं है। यहाँ पे देखिए घास काट रहे हैं, आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ ये दिलवानी है ऐसे, यहाँ देखिए भीरा का पत्थर लगा हुआ है, और अब हम लोग भीरा में प्रवेश करने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये गोदाम बना हुआ है धान का, और यहाँ पे अब पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ भीरा का ये बोर्ड लगा हुआ है, आगे अब हम लोग भीरा में प्रवेश कर चुके हैं।
और यहाँ पे ये भीरा की जो नहर है ये है, यहाँ देखिए इस तरीके से। और इस नहर में ये देखिए भैंस धो रहे हैं, इधर से ये नहर चली जाएगी आगे, ये सीधे नहर पर रास्ता जाएगा। और यहाँ से ये सीधे जो रास्ता ये दिख रहा है ये मेन मार्केट में जाएगा, ये थोड़ा बाहर से है, वो अंदर से है, और आगे जिला पंचायत इंटर कॉलेज पड़ेगा, उससे होते आगे थाना भी पड़ेगा। आइए इधर आगे चलते हैं। और यहाँ देखिए ये अकाल हॉस्पिटल है, यहाँ तारा देवी हॉस्पिटल है, और एक मंदिर है यहाँ पे। और इधर से होते हुए ये जो रास्ता दिख रहे हैं यहाँ से बाकेगंज गोला आप जा सकते हैं। और यहाँ से भीरा देखिए, ये पत्थर लगा 1 किलोमीटर, यही भीरा की जो ये मेन मार्केट है, शहर है, जो भी है गांव है, यहाँ अब नगर पंचायत हो गया है। और ये वन क्षेत्राधिकारी का ये यहाँ कमरे हैं, यहाँ ऑफिस है, और यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा है। और आइए अब इधर चलते हैं, ये बाहर बाहर रास्ता है, यहाँ पे आपको सब सामान यहाँ पे मिलेगा, ये वीडियो से यहाँ पे आप प्लाट ले सकते हैं। दोस्तों मैं अपने इस ब्लॉग पर एक से एक जगह की वीडियो लाता रहता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ की वीडियो बना करके अपलोड करता रहता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए। हाँ ये आगे चलते हैं, ये देखिए ये पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे ये हीरो की एजेंसी है। और आगे ये TVS की एजेंसी है, ये TVS एजेंसी है। और यहाँ पे ये भारत गैस का है, यहाँ भारत गैस एजेंसी। और ये वन बीट हॉस्पिटल है यहाँ पे, ये छोटा वाला है इधर। और यहाँ से जो ये लेफ्ट साइड रास्ता जा रहा है, यहाँ से ये मैलानी की तरफ निकल जाएगा, और राइट साइड जो है वो ये देखिए यही मैलानी की तरफ जाएगा। आगे वहाँ से आप खुटार गोला लखीमपुर चले जाएंगे, और ये सीधे रास्ता पलिया की तरफ जाएगा। यहाँ देखिए पलिया का बोर्ड लगा हुआ है, पलिया से होते हुए दुधवा नेशनल पार्क, वहाँ से चंदन चौकी गोरीफंटा होते हुए आप नेपाल भी निकल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे ये सब यहाँ फिटनेस केंद्र है, यहाँ स्मार्ट सिटी है, ये रेलवे का मैदान है। ये देखिए यहाँ मंदिर भी है, और सामने अब ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ 20-20 मिनट पे बस चलती रहती है। और ये भीरा की मेन मार्केट ऐसे जाती है राइट साइड, और सामने ये रेलवे स्टेशन दिख रहा है पीला पीला, और यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल, यहाँ ये मेन मार्केट यहाँ पे है ऐसे। और ये वन बीट हॉस्पिटल है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये बड़ौदा बैंक, इंडियन बैंक, ये ATM भी है यहाँ पे। और ये सामने यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक है, और यहाँ से आप जो ये रास्ता दिख रहा है, यहाँ से आप किशनपुर होते जंगल में होते हुए आप जाएंगे किशनपुर जंगल, ये ग्रांट नंबर है यहाँ पे। आइए पलिया रोड पे इस तरह से चलते हैं, यहाँ ये पेट्रोल पंप है, यहाँ ये बंजारा लोग रहते हैं।
और ये सामने गन्ना समिति का ये केंद्र है और यहाँ डॉक्टरों का निवास है जो वन बीट में डॉक्टर हैं। ये ब्लॉक बी ब्लॉक और ये गन्ना समिति केंद्र। और यहाँ पे औजला ये रिसॉर्ट, यहाँ पे शादी विवाह होते हैं। यहाँ से भारत गैस आप लिए हैं तो वहाँ से जाकर के आप गैस उठा सकते हैं। और सामने ये जो दिख रहा है इधर राइट साइड में, ये विद्युत केंद्र है। यहाँ से आप बिल जमा कर सकते हैं, कनेक्शन ले सकते हैं। और ये सामने बजाज की एजेंसी है और यहाँ है विवेकानंद एकेडमी, सीबीएसई बोर्ड से है। और ये सामने दोस्तों ये गुरुद्वारा है, भीरा का बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ, मेरा चैनल आगे बढ़ सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।